Hello kids, today we are going to study chapter 5 in civics, Panchayati Raj. आज हम civics के chapter 5 में पढ़ेंगे पंचायती राज के बारे में. पंचायती राज के बारे में सबसे पहले देखते हैं अपन, आगे अपन और बढ़ेंगे, पर सबसे पहले देखते हैं ग्राम सभा. ग्राम सभा क्या होती है? So ग्राम सभा, it is a meeting of all adults who live in the area covered by a panchayat. ग्राम सभा का एक मीटिंग है, उन लोगों की मीटिंग है जो कि पंचायत के एरिया, पंचायत के द्वारा कवर किए जाते हैं, पंचायत के अंतर्गत आते हैं, अपन कह सकते हैं. तो इस ग्राम सभा में क्या होता है, कौन ग्राम सभा में वो व्यक्ति सदस्य होते हैं जो एडल्ट होते हैं, जिनकी उम्र 18 साल की होती है, वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं और जिनको वोट देने का अधिकार है. विलेज पंचायत के पर बात करें अपन, तो विलेज पंचायत जो है वो वार्ड्स में बंटी होती है, कायम होते हैं, उसमें वार्ड्स में विभाजित होती है. हर वार्ड का एक मेंबर होता है, उसमें एक इलेक्टेड होता मेंबर होता है जिसको हम पंच कहते हैं. और पंच फिर उसमें से क्या सरपंच बनाया जाता है, जो हेड होता है, गांव का हेड होता है सरपंच, मुखिया होता है, प्रमुख होता है वो. तो हम ग्राम पंचायत के उनको मिलकर ग्राम पंचायत बनती है. अब ग्राम पंचायत में एक सेक्रेटरी भी होता है, गांव में एक सेक्रेटरी होता है, ग्राम पंचायत वो सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का भी होता है. और उसको डायरेक्ट का मतलब उसको कोई उसके लिए कोई चुनाव नहीं होता है, उसको कौन अपॉइंट करता है, उसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है. सेक्रेटरी को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है. ठीक है, तो सबसे पहले ग्राम सभा की बात करें तो ये क्या है, मीटिंग होती है, उन लोगों की मीटिंग होती है जो किसी पंचायत में आते हैं, और वे लोग जो 18 साल के होते हैं और उनको वोट देने का अधिकार होता है. ऑब्वियसली जो 18 साल या उसके ऊपर उम्र का होगा उसको वोट देने का अधिकार होगा. अब पंचायत के कार्य क्या है, ग्राम पंचायत के कार्य हैं गांव में बिजली की व्यवस्था करना, ठीक है, पानी की व्यवस्था करना, रोड की व्यवस्था करना, स्कूल के लिए बिल्डिंग बनाना आदि व्यवस्था ग्राम पंचायत की होती है. ग्राम पंचायत क्या करती है, टैक्स के माध्यम से, लोकल टैक्स के माध्यम से राशि प्राप्त करती है, उनके पास पैसा होता है, वो जो दूसरे देश मतलब गांव की भलाई के लिए, गांव के कार्यों के लिए वो उन टैक्सेस के माध्यम से जो पैसा आता है वो गांव के लिए उपयोग करती है. अब हम देखिए पंचायती राज की अगर हम बात करें तो पंचायती राज इज द प्रोसेस बाय विच पीपल पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट. पंचायती राज वह प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, लोग क्या करते हैं, अपनी खुद की गवर्नमेंट में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, अब पंचायती राज की बात करें तो तीन लेवल होते हैं पंचायती राज में. सबसे पहला होता है विलेज स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, ठीक है, उसके बाद मतलब जो छोटे छोटे बहुत गांव होते हैं या विलेज एरियाज होते हैं वहां पर ग्राम पंचायत होती है. फिर एक आगे हम जाए तो दूसरे लेवल पर जनपद पंचायत होती है. फिर तीसरे लेवल पर होती है जिला पंचायत होती है, जो जिला लेवल पर होती है. ग्राम पंचायत की हम बात करें तो सब मैंने बताया है कि ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत होती है, उसके अंदर बहुत सारे गांव होते हैं, उन गांव में अलग वार्ड्स होते हैं, उसमें क्या कह सकते हैं उनको पंच नियुक्त किए जाते हैं, और फिर उनका जो मुखिया होता है ग्राम पंचायत में होता है सरपंच होता है. ठीक है, फिर सेकंड जो लेवल होता है जनपद पंचायत, जो ब्लॉक लेवल पर होती है, उस पर अध्यक्ष होता है. और ग्राम पंचायत के अंदर जो भी ग्राम सभा होती है उसके अंदर जो भी प्रस्ताव पारित होते हैं वो फिर वो लोग उसको जनपद पंचायत स्तर पर लाते हैं, और जनपद पंचायत स्तर पर के जो कार्य होते हैं उनको जिला लेवल तक पहुंचाया जाता है. इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पंचायती राज में तीन स्तर होते हैं, गांव स्तर मतलब होता है जो गाँव के लेवल पर होता है जिसको ग्राम पंचायत बोलते हैं, जो तहसील स्तर पर होता है उसको हम जनपद पंचायत बोलते हैं, और जो जिला स्तर पर होता है वो उसको हम जिला पंचायत कहते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही.
ये पूरा एक चैप्टर पूरा हुआ है। इसके अंदर मैंने जो बताया तीन चीज़ें हैं वो ज़्यादा बड़ी आती हैं, तीन पंचायती राज में तीन स्तर होते हैं, विलेज लेवल पर होता है जो ग्राम पंचायत होती है, ब्लॉक लेवल पर होती है जनपद पंचायत होती है, और फिर जिला स्तर पर होती है वो जिला पंचायत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।